कानूनी महाज पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी। सालिसी अदालत ने किशन गंगा डैम के डिजाइन के खिलाफ पाकिस्तान की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। अदालत के दायरे इख्तियार पर भारतीय एतराजात मुस्तरद। पाकिस्तान का मौकिफ है कि किशन गंगा डैम का डिजाइन सिंतास माहदे के खिलाफ है। लाहौर में मुसलसल दूसरे रोज भी तूफानी बारिश। चुंगी अमर सिद्धू में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जान बहक। मजंग में शादी हॉल की दीवार अस्पताल के इंतजार गाह पर जा गिरी, 14 अफराद जख्मी। शहर में 2 रोज में अमवात की तादाद 11 हो गई, 20 जख्मी हुए। वजीर आला पंजाब मुहसिन नकवी का कहना है कि शहर में 4 से 5 हजार अफराद मखदूश इमारतों में रिहाइश पजीर हैं, लेकिन सबकी फौरी मुंतकली मुमकिन नहीं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। जड़ावाला और झंग में करंट और दीगर हादसात में 3 अफराद जान बहक, 4 जख्मी। सिंध और बलोचिस्तान में भी मूसलाधार बारिशें। लाड़काना, कंबर, शहदादकोट समेत दीगर गिरदनवाह में बादल बरस पड़े। कराची में बूंदाबांदी के बाद मौसम खुशगवार। शहर में कल से 11 जुलाई तक बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब में मुमकिन सैलाब का हाई अलर्ट जारी। 8 से 10 जुलाई तक दरियाए जेहलम, सतलुज, दरियाए रावी और चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। भारत की जानिब से रावी और सतलुज में पानी छोड़े जाने का भी इम्कान। पीडीएमए ने मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। आज हमने बड़ी मुश्किल से हमने आईएमएफ का प्रोग्राम किया। अब 12 तारीख को आईएमएफ की बोर्ड की मीटिंग है। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम वहां से जब मंजूर होगा तो पाकिस्तान पर इंशाल्लाह जो डिफॉल्ट, जो हमारे दुश्मन थे अंदर बैठे और बाहर, जो डिफॉल्ट के लिए अपना बड़ी दिन रात वो दुआएं कर रहे थे, अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह उनकी दुआओं को दफन कर दिया जो कि पाकिस्तान के मुखालिफ थे। दुश्मनों की पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। आईएमएफ बोर्ड से 12 जुलाई को कर्ज की मंजूरी मिल जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुरगढ़ में कबाइली अमायरीन से खिताब, कहा मुल्क की तरक्की के लिए मुत्तहिद न हुए तो आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी। वजीर आजम ने तुरगढ़ बुनेर आरसीसी पुल का संगे बुनियाद भी रख दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में दौरान ट्रेडिंग रुपए की कदर मुस्तहकम। डॉलर 1 रुपए 1 पैसे सस्ता होकर 276 रुपए 40 पैसे का हो गया। गुज़श्ता दौर में नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। प्लॉट अलॉटमेंट केस में बरियत इसकी ताजा मिसाल है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली, आज एहतसाब अदालत भी कह रही है कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। नैब से गठजोड़ करके चोर चोर कहने वाले को आज मुंह की खानी पड़ी। पीटीआई पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। पीटीआई चेयरमैन ने अदलिया मुखालिफ नफरत अंगेज तकारीर की। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी का मौकिफ, आईन और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक सबूत भी दरख्वास्त के साथ मुंसलिक। जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। जराए के मुताबिक पीएसएलटी मुल्तान सुल्तान्स के मालिक आलमगीर तरीन ने अपने सर में गोली मारी। आलमगीर तरीन लाहौर के इलाके गुलबर्ग में रिहायश पजीर थे। जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में मेजर मियां अब्दुल्ला शाह शहीद। आईएसपीआर के मुताबिक ऑपरेशन में 3 दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया।
कोहाट में दहशतगर्दों के खिलाफ फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। कलदम टीटीपी तारिक ग्रुप के 3 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सीटीडी की कार्रवाइयां। रावलपिंडी, साहिवाल, भावलपुर और गुजरांवाला से कलदम टीटीपी और अलकायदा के साथ शरपसंद पकड़े गए। स्वीडन में कुरान पाक की तौहीन की नापाक जसारत पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद होगा। कुरान करीम के बेहरमती के खिलाफ मुश्तरका करारदाद मंजूर की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज दुनिया को बताएंगे कुरान की बेहरमती बर्दाश्त नहीं। स्वीडन वाकये पर मिल्लत इस्लामिया में सख्त गम गुस्सा है। स्वीडन में कुरान करीम की बेहरमती के खिलाफ पूरा मुल्क सराय एहतजाज। शहर शहर रैलियां और मुजाहरे। अटक में ताजिर तंजीमों का मुजाहरा। कसूर में वकला सड़कों पर निकल आए। लियाकतपुर और कोट डीजी में भी रैलियां। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में नौमौलूद की टांगे झुलसने का वाकया। हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अस्पताल की सर्विसेज मुअत्तल कर दी। इंतजामिया का इंक्यूबेटर में बल्ब टूटने से आग लगने का मौकिफ गलत करार। अस्पताल हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी से रजिस्टर भी नहीं था। जका अशरफ ने चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का चार्ज संभाल लिया। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के पहले इजलास की सदारत, एशिया कप की मेजबानी और दीगर उमूर का भी जायजा। आईसीसी इजलास के हवाले से मामलात भी जेर गौर।